बॉलीवुड के लिए नए साल का पहला ही दिन बेहद खराब रहा। वेटरन एक्टर कादर खान का 81 की उम्र में निधन हो गया। उनके बेटे सरफराज खान ने निधन की खबर की जानकारी दी। कनाडा के एक अस्पताल में कादर खान ने अंतिम सांस ली। वहीं इस खबर से पूरा बॉलीवुड सदमे में है, लेकिन सबसे ज्यादा कादर खान के निधन से गोविंदा को धक्का लगा है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लिखा है कि कादर खान साहब मेरे उस्ताद नहीं थे, बल्कि मेरे पिता समान थे। उनके साथ काम करने वाले हर एक कलाकार को उनकी याद जिंदगी भर आती रहेगी। वो ऐसे इंसान थे। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री और मेरे परिवार का एक अहम सदस्य आज हमेशा के लिए अलविदा कह गया है। मैं इस समय कितना दुखी हूँ आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। बता दें कि गोविंदा और कादर खान ने 90 के दशक में कई सारी फिल्मों में साथ काम किया था, जिन्हें दर्शकों ने दिल खोलकर प्यार दिया था। गोविंदा कादर खान को अपने पिता के समान मानते थे। भले ही कादर खान दुनिया से विदा होकर चले गए हों, लेकिन अपने चाहने वालों के जहन में वो हमेशा जिंदा रहेंगे।